सर जीना भी है तो क्या है, साइमल्टेनली एक ही सब्जेक्ट ऐसा चुनो कि चार जगह चढ़े, और डबल लैंग्वेज बनाने से ये फायदा है कि 40 दिन का एक एक लैंग्वेज का शूटिंग हो तो दो लैंग्वेज, अगर डायरेक्ट शूट करना हो तो 80 डेज लग जाता है, 60 डेज में काम हो गया, बजट भी बच रहा है इंटरनेशनल मुद्दा लेने की वजह से, नेशनल मुद्दा लेने की वजह से, और जो संदेश देना चाहता हूँ वो भी दे दिया, इकोनॉमिकली और दो भी सर हिंदी तेलुगु में नहीं अटकी है, ओरिजिनल लैंग्वेज में नहीं अटकी है, डबिंग में अटकी है। जब नक्सलाइटों से ही लड़ के जनजीवन समृद्धि में आ जाओ पब्लिक में बोल रहा हूँ तो क्या एक सेंसर बोर्ड के चेयरमैन के ईगो को डरूं मैं? ईगो को नहीं सर, लेकिन जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि चार दो लैंग्वेज नहीं हुई है आपकी फिल्म तो अगर आप मैडम ओरिजिनल क्या है, सही बात है, सही बात, बेशक आपने मेरे हमदर्द हैं इसलिए बोल रहे हैं। मैं क्या सोचता हूँ, हिंदुस्तान मुझे जो राइट्स दिया है वो राइट्स के लिए मैं लड़ सकता हूँ, और दूसरी बात क्या है, कंडेम्ड अप टू द कॉन्स्टिट्यूशन है, कानून का ही खिलाफ, मतलब देशद्रोह के बराबर होता है, शायद उनको समझ में नहीं आता है, वो समझ में आ जाऊंगा या मुझे उसके लिए जो करना पड़े। सर क्या है, जैसे सुनिए ये खरीदे हुए मैं इनको मैं बेचा हूँ, तो ये क्या सोच के मेरे से फिल्म बाइंग की है कि भाई उधर से थोड़ा उधर से थोड़ा आ गया। एक बात मैं बोल रहा हूँ कि तेलुगु हिंदी ब्लैप हो गई, बाकी लैंग्वेजों के इनकी इकोनॉमिकल पोजीशन क्या होगी, मुझे दे देने के बाद क्या देखेंगे।